जादू से लोगों को मदहोश कर देने वाले पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम का जन्म 12 मार्च को हुआ। आतिफ ने कभी सिंगर बनने का ख्वाब नहीं देखा, वे क्रिकेटर बन देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे। आतिफ तेज गेंदबाज थे और अंडर 19 क्रिकेट टीम में ट्रायल भी चुने गए थे। एक वक्त ऐसा था जब आतिफ अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन शायद उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उन्होंने कॉलेज के दिनों में अपना पहला गाना आदत रिकॉर्ड किया था, ये जल्द इंटरनेट पर वायरल हुआ और आतिफ घर घर में जाना माना नाम बन गए। तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है जुदा। 2004 में उनके पहली एल्बम जलपरी रिलीज हुई, जो कि एक बड़ी हिट हुई। इसके बाद उन्होंने दूरी और मेरी कहानी टाइटल से दो और एल्बम रिलीज की। 3 सालों के अंदर आतिफ बॉलीवुड में मशहूर हो गए। बॉलीवुड के अलावा आतिफ ने अमेरिकन फिल्म के लिए भी गाने गाए हैं। इंटरनेशनल अवार्ड के साथ ही उन्हें काफी सराहना भी मिली। सिंगिंग के साथ साथ आतिफ ने एक्टिंग की तरफ रुख किया। वे 2011 में पाकिस्तानी फिल्म बोल में भी नजर आए। तो वहीं आतिफ ने 29 मार्च 2013 को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सारा से शादी की। एंटरटेनमेंट टीम की तरफ से आतिफ को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं।